नमस्कार, स्वागत है आपका खासखबर.com पर और मैं हूँ पलक गुप्ता। हेडलाइंस में आज सबसे पहले देखते हैं देश की खास खबरें। दिल्ली, राजस्थान समेत 17 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। गुजरात के जूनागढ़ में 30 गांवों का संपर्क कटा। असम में बाढ़ से 11 लाख लोग प्रभावित। हाथरस हादसा, एक्शन में सीएम योगी, आयोजकों पर एफआईआर दर्ज लेकिन बाबा का नाम नहीं। मुख्य सेवादार नामजद भोले बाबा की तलाश में यूपी पुलिस। दलदल में फंसे लोगों के ऊपर से गुजरती रही भीड़, इसलिए बढ़ा मौत का आंकड़ा। अमरनाथ यात्रा, 4 दिन में 74,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए। जम्मू कश्मीर में सेना ने बस खाई में गिरने से बचाई, ब्रेक फेल हुआ, लोग कूदने लगे, जवानों ने पहियों के नीचे पत्थर रखकर रोकी। नीट मामले पर पीएम मोदी बोले, युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र समाप्त, 103% रही कार्य उत्पादकता। आइए अब नजर डालते हैं राज्य की प्रमुख खबरों पर। गाजियाबाद के क्रॉनिका सिटी क्षेत्र में महिला से घर में घुसकर जबरन दुष्कर्म, पकड़ने गई पुलिस की हुई मुठभेड़। उत्तराखंड में 6 स्टेट हाईवे समेत 96 सड़कें बंद, प्रदेश में आज भी भारी बारिश। भजनलाल सरकार का फैसला, गांधी वाटिका अधिनियम को समाप्त करने के लिए आएगा विधेयक। गोविंद सिंह डोटासरा ने सीएम भजनलाल शर्मा के राहुल गांधी वाले बयान पर कसा तंज, कहा मुख्यमंत्री को पर्ची लिख कर दी और उन्होंने पढ़ दिया। आइए अब देखते हैं बॉलीवुड जगत की खास खबरें। सामंथा ने स्तन कैंसर का इलाज करा रही हिना खान को बताया योद्धा। हनीमून पर निकले सोनाक्षी सिन्हा, जहीर इकबाल स्विमिंग पूल में चिल करते दिखे दोनों। आइए अब नजर डालते हैं खेल जगत की खास खबरों पर। 133वां डूरंड कप 27 जुलाई से 4 शहर भारतीय फुटबॉल के सीजन की शुरुआत की मेजबानी करेंगे। एंडी मरे विमिल्डन एकल से हटे, भाई जेमी के साथ युगल खेलेंगे। आइए अब देखते हैं कारोबार जगत की प्रमुख खबरें। शेयर बाजार ऑल टाइम हाई पर खुला, सेंसेक्स पहली बार 80,000 के पार। ट्रेनों की रफ्तार 130 से बढ़ाकर 160 किलोमीटर प्रति घंटा करने का लक्ष्य, यात्रियों को होगी सुविधा। आइए अब नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की खास खबरों पर। तुर्की में बड़े पैमाने पर सीरिया विरोधी दंगे, 474 लोगों को हिरासत में लिया गया। इसराइल ने कहा मई से अब तक रफा में 900 आतंकवादियों को मार गिराया। खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भी खबरें विस्तार से जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.khaskhabar.com पर लॉगिन करें, हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करें और प्ले स्टोर से जाके हमारे ऐप खास खबर को डाउनलोड करें। नमस्कार।